साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। सेंट विल्फर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेज अजमेर और छत्रपति शिवाजी महाराजा यूनिवर्सिटी मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का आयोजन सेंट विल्फर्ड कॉलेज कैंपस गूगल में हुआ। कार्यक्रम में स्कूली व कॉलेज विद्यार्थियों के द्वारा साइंस एंड एग्जीबिशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोजेक्ट का और आर्ट्स एग्जीबिशन में आर्ट्स वर्क से संबंधित प्रोजेक्ट और पोस्टर का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया।
सर, आज का कार्यक्रम हमने सेंट विल्फ्रेड एजुकेशन जो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये जो इवेंट रखवाया है, ये बच्चों के साइंस में जो प्रोग्रेस करने के लिए, साइंस में हर, क्योंकि साइंस होता है हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे मेडिकल फील्ड में चले जाइए, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाइए, या किसी भी आर्किटेक्ट, बहुत सारे ऐसे फील्ड बनते हैं, पर साइंस हर जगह काम में आता है। इसलिए बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए, बच्चों को कि आप इसमें फील्ड में कुछ अच्छा करें, क्योंकि साइंस का मतलब क्या होता है, क्रिएशन, इनोवेशन, इन चीज़ों के अंदर फील्ड में आगे कुछ कर सके। साइंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी बोलते हैं एक मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान को सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित जो चीज़ होती है उसी को विज्ञान कहते हैं। तो साइंस का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ जीरो लेवल, जीरो से जीरो जो होता है उसके ऊपर भी लाख, हमारे विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ा स्पीच दिया था जीरो से स्टार्ट करके, और सेंट विल्फ्रेड कॉलेज और ग्रुप पूरा कॉलेज इसमें अक्रॉस द 40 कॉलेजेस सर, अक्रॉस द 40 कॉलेज पूरी इंडिया के अंदर, 40 कॉलेजेस पूरे इंडिया के अंदर हैं जो पूरे अपना एरिया कवर करती हैं, और अपन ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम हमेशा कंडक्ट करवाते रहते हैं और आसपास के एरिया को जोड़ते रहते हैं इन चीज़ों से। और इसीलिए हमने ये जो अपने अजमेर रेंज के अंदर, अजमेर पूरे जितने भी अपने एरिया है राजस्थान में, अजमेर से रिलेटेड है या अपने जयपुर में भी अपनी ब्रांचेज हैं, वो सब अपन छोटे छोटे इवेंट इसलिए करवाते हैं कि सब लोग साइंस में कुछ अलग कर सकें, अपने आप को, जैसे गवर्नमेंट स्कूल होती हैं, प्राइवेट स्कूल होती हैं, जो अपने बच्चे होते हैं ये अपना कुछ क्रिएशन दे सकें, जिनको मोटिवेट करने के लिए हम इनके लिए अलग अलग ये जो होते हैं अपने पुरस्कार वगैरह देते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, इनको आगे लाते हैं, इनके लिए अलग अलग से प्रोग्राम करवाते रहते हैं। कोई अगर जो स्पेशल कोई उसमें करता है तो उसके लिए आगे स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है हमारे पास, जैसे बच्चे की कोई मान लीजिए कोई मेरिट में आता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, पूरी इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं पूरे के पूरे, या कुछ परसेंटेज के ऊपर होता है तो उनको कुछ अलग से देते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जितने हमसे होते हैं वो सर्वांगीण विकास के लिए हम उनके लिए हमेशा आगे तत्पर बने रहते हैं। और अब मैं मीडिया के माध्यम से ये सबसे आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई बच्चा हो, कोई ऐसे बच्चे हो जो मतलब गरीब बच्चे हो, जो पढ़ नहीं सकते, जो आगे कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे पास आए, हम उनका साथ देंगे, उन्हें आगे लाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, और ये अपनी संस्था से जुड़े और उनके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आगे से आगे करेंगे सर। आज की विज्ञान प्रदर्शनी के अंदर और कौन कौन से स्कूल कॉलेजेस हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट? अक्रॉस द सर 35 स्कूल्स पूरे किशनगढ़ से, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल हैं, अजमेर से हैं, डीएवी स्कूल हैं, अपनी जितने आप अजमेर से रिलेटेड जितने गवर्नमेंट को, हमने क्या हुआ गवर्नमेंट कॉलेज को ज्यादा पिक किया सर, सब लोगों जितने गवर्नमेंट स्कूल है उनको सबको पिक किया जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि जिससे क्या वहां पे लोग फोकस नहीं, प्राइवेट स्कूल में तो सब फोकस करते हैं, हम उन बच्चों पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो क्रिएशन करते हैं सब, वो एक टैलेंट निकलता है बाहर, क्योंकि आज अपन देखते हैं आईएएस वगैरह जितने भी बनते हैं वो 70% गवर्नमेंट स्कूलों से निकलते हैं सर। सर्वांगीण विकास कराना बच्चों का आपकी संस्था का मुख्य उद्देश्य? जी सर, जी सर। इससे पहले कितने कार्यक्रम आपकी तरफ से आयोजित किए गए हैं और आने वाले समय में? आने वाले समय में हर महीने आप अलग से अलग प्रोग्राम देखेंगे सर, हम ये साइंस एग्जीबिशन है, इसके बाद में एनुअल फंक्शंस, और हमारे लोक डिपार्टमेंट, हमारी लोक कॉलेज चलती है तो जैसे सीसीए सीए वगैरह चल रहा है, एनआरसी वगैरह चल रहा है, इसके ऊपर भी हम एक बहुत बड़ा सेमिनार कंडक्ट करवाने जा रहे हैं बहुत जल्दी इसके अंदर, इंजीनियरिंग के इसके लोक कॉलेज के थ्रू, क्योंकि हमारा लोक कॉलेज चलता है, सीए और एनआरसी के ऊपर भी बहुत बड़ा एक इवेंट करवाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। आज जो बच्चे विजेता रहेंगे उसके लिए आगे क्या प्लेटफॉर्म देंगे? उनको प्लेटफॉर्म ये रहेगा सर हमारी तरफ से, उनको पारितोषित और इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर जो विजेता रहते हैं वो हमसे आके मिलते हैं तो हम इंजीनियरिंग में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे सर। सर, एनआरसी और सीए का मुद्दा आपने उठाया, ये देश के आंतरिक मामले हैं, राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है, तो सर्वांगीण विकास के अंदर राजनीति आज क्या आज की जगह आप जो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, हर एक चीज उनको खुल के बतानी चाहिए, बच्चों को क्या होता है हर चीज पता होनी चाहिए किस रिगार्डिंग अपन किस चीज पे बात कर रहे हैं, बच्चों को हर एक तरह से खोल के बताना चाहिए कि किसके क्या एडवांटेज है किस डिसएडवांटेज है, वो हर एक चीज होनी चाहिए सर। इसलिए हम इसके रिगार्डिंग कैंप लगाएंगे बस, कि बच्चों को किसी चीज की कोई जो शंकाएं जो लग रही है, जो देश के अंदर जो गलत फहमियां फैल रही है उनको अपन अलग से रिमूव कर सके, अब जो भी हो रहा है सर उसके लिए कि कौन सही है, भाई अपन किसी चीज का विरोध, लोकतांत्रिक देश है उसके अंदर विरोध होना नहीं होना अलग बात होती है, लेकिन कोई भी चीज हो वो तरीके से रखी जाती है एक शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक देश के अंदर, जो भी है उसके बारे में हम एक कैंप लगाएंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे कि कैसे है क्या है वो सब चीजें अपन बताएंगे सर। आज के कैंप में सर कितने छात्रों ने भाग लिया? सर 2500 से ऊपर बच्चे हैं अपने अजमेर रेंज के, 2500 से ऊपर बच्चे हैं, 12th और स्कूल के बच्चे सर। विकास कुमार शर्मा सर, आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ द विल्फ्रेड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सर। ओके सर।